इस वक्त बिहार से बड़ी खबर आ रही है। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, 16 से 31 जुलाई तक कंप्लीट लॉकडाउन। बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या की वजह से हालात चिंताजनक बनते जा रहे हैं। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य के चीफ सेक्रेटरी समेत तमाम आला अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल बैठक की है। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने बिहार में कोरोना की स्थिति का आकलन किया और उसके बाद 16 से 31 जुलाई तक कंप्लीट लॉकडाउन करने का निर्णय लिया है। बिहार में पिछले कुछ समय से कोरोना के नए केस की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। राजधानी पटना में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बीजेपी के कई नेता भी कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि बिहार सरकार ने 16 से 31 जुलाई तक लॉकडाउन करने का निर्णय लिया है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि कोरोना महामारी से बचने के लिए ना कोई दवा है ना कोई टीका, इससे बचाव का सिर्फ एक ही माध्यम है। हम सब अपने चेहरे पर मास्क लगाएं, तौलिया या रुमाल लगाकर अपना बचाव करें, तभी हम कोरोना से अपने आप का बचाव कर सकते हैं और इसे हरा सकते हैं। वैश्विक महामारी कोरोना का दायरा और भी बढ़ता जा रहा है। अब पार्टी दफ्तरों में भी कोरोना संक्रमण का खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता है। दरअसल सोमवार को बीजेपी के 75 लोगों का सैंपल लिया गया था, जिसमें से 25 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बड़े नेताओं की बात करें तो इसमें प्रदेश संगठन के महामंत्री नगेंद्र नाथ, बीजेपी के प्रदेश महामंत्री देवेश कुमार, राधा मोहन शर्मा और राजेश वर्मा शामिल हैं। बिहार में कंप्लीट लॉकडाउन के दौरान कई क्षेत्रों में भी छूट दी गई है। इसमें डिफेंस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, लोगों की जरूरत से जुड़ा सामान, सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी, पेट्रोल आदि को लेकर छूट दी गई है। डिजास्टर मैनेजमेंट, पावर जनरेशन, पोस्ट ऑफिस समेत जरूरी एजेंसियों को छूट के दायरे में रखा गया है। कमर्शियल और प्राइवेट संस्थान लॉकडाउन में बंद रहेंगे। राशन की दुकान, खाने पीने का सामान, सब्जी, दूध, डेयरी, मीट मछली की दुकानों में लॉकडाउन से छूट रहेगी। हालांकि प्रशासन लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए होम डिलीवरी को लेकर जरूर कदम उठा सकता है, जिससे लोग कम से कम संख्या में बाहर निकलें। लॉकडाउन के दौरान शिक्षा, ट्रेनिंग, रिसर्च, कोचिंग से जुड़े संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन या फिर डिस्टेंस लर्निंग में छूट रहेगी। धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। इस दौरान कोई धार्मिक आयोजन नहीं किए जा सकेंगे। सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन और धार्मिक अनुशासन को लेकर लोगों को एकजुट होने की मनाही रहेगी। बता दें कि प्रदेश में पहली बार राज्य सरकार ने 23 मार्च की रात से लॉकडाउन प्रभावी किया था। इसके बाद केंद्र सरकार ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन किया, जिसकी मियाद दो बार बढ़ाई गई। देश के साथ बिहार में भी 31 मई तक लॉकडाउन रहा। इसके बाद 1 जून से अनलॉक 1 और जुलाई से अनलॉक 2 प्रभावी किया गया। अनलॉक शुरू होने के बाद ही कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे, जिसके बाद प्रदेश के कुछ जिलों में आंशिक लॉकडाउन किया गया, जिससे अब पूर्ण लॉकडाउन में बदलने की तैयारी है। ऐसी ही और ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल योर गाइड टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद।